तो यहाँ पे सुबह सुबह हमारी जोत जल चुकी है माँ की, और हमने पूजा कर ली है दोनों बहनों ने, और आज चेंज किया है सारा लुक। तो देखिए कैसा लग रहा है यहाँ पे। फ्लावर्स इधर अभी चेंज करने इसलिए साइड में रखे हुए हैं। तो आज है फ्राइडे का दिन और यहाँ पे सारा कुछ चेंज किया है मैंने, साफ सफाई कर दी है। नवरात्रि आने वाली है और सफाई तो ऐसे रोज ही होती है, लेकिन स्पेशल वाली जो है वो आज हो चुकी है और हमने फूल भी सजा दिए। तो यहाँ पे बाहर मैं देख रही थी क्यारी अपनी की फूल पौधे कैसे हैं, एकदम अच्छे बढ़िया से रखे हुए हैं। और ये आ गई अपनी क्यूटी, तो ये चीकू यहाँ पे मेरे ऊपर चढ़ रही है। इसको हमेशा ये लगता है कि मैं इसको कुछ ट्रीट देने वाली हूँ और ये मेरे साथ ही रहती है। हाँ दे दो दे दो, साग दे दो दो, एक पालक दो दे दो, दो ये दे दो, 1 किलो साग दे दो, अच्छा वाला दे। हाँ जी लड़ती बहुत लड़ती है, लवा थानू मिर्ची है शुरू है साग को। अच्छा अच्छा हाँ कर दो। भज गया तो फ्रेश साग आ गया, तो मैंने सिस्टर को बोला साग पहले बना लेते हैं, 10 दिन तो हम साग बनाने वाले नहीं, लहसुन प्याज खाने वाले नहीं हैं। तो मैंने फटाफट साग ले लिया, साग महंगा था 40 रुपए किलो, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। साग ले लिया मैंने आज, साग ले लिया मैंने आज। हाँ जी, तो साग से पहले लिया था मैंने मूली, तो मूली को अच्छे से वॉश करके छील के और अब भी कद्दूकस कर लूँगी। मूली बहुत ही फ्रेश आई हुई है तो मूली मैंने ले ली थी, और पराठे के लिए क्योंकि ब्रेकफास्ट अभी ज़रूरी है, सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही होगा। फ्रेश आटा गूंद लेती हूँ यहाँ पे। अभी टाइम नहीं हुआ हमारा जल्दी उठने का, मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का खाने के टाइम हो गए। चलो बैठो बैठो बैठो, उधर बैठो, वहां बैठो, चलो। हाँ जी, जब भी पराठे सुबह बनाए तो एकदम ताज़ा आटा गूंदे, तो भरवा पराठे जो भी होते हैं ताज़ा आटा गूंदने से बहुत ही अच्छे से बनते हैं, फटते नहीं हैं। और मूली को मैंने कद्दूकस करके और एक पतले कपड़े से एकदम निचोड़ लिया है, उसके बीच में सारे मसाले मिला दिए हैं मैंने, अजवाइन मिलाया, नमक और काली मिर्च, और साथ में डाला है काला नमक, धनिया पुदीना और थोड़ी अदरक भी डाल दी है मैंने काट के, हरी मिर्च स्वाद अनुसार डाल दें। तो मूली के पराठे पहले भी शेयर कर दिए हैं मैंने, तो बाद में फिर से शेयर कर दूंगी। यहाँ पे सारा प्रोसीजर आपको दिखा दिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं कि मूली के पराठे यहाँ पे कैसे बन रहे हैं। तो सबसे बेस्ट वही होता है कि कद्दूकस करके और निचोड़ के बनाएं, निचोड़ के बनाएंगे तो आपके जो स्टफिंग है कभी भी बाहर नहीं निकलेगी और बहुत ही अच्छे पराठे बनेंगे। तो यहाँ पे आया था दही, दही मेरी सिस्टर ने दही ले लिया है। ये दही लिया जाता है कुत्तों के लिए, कुत्ते हमारे दही रोटी ही खाते हैं, इससे वो बीमार भी नहीं पड़ते हैं और बहुत ही अच्छे भी रहते हैं। नमक वाली चीज़ें उनको नहीं देते, ना ही प्याज लहसुन वाली, तो एकदम बीमार कभी भी नहीं होते। तो यहाँ पे कर ली है मैंने स्टफिंग रेडी, देखिए एकदम ड्राई ड्राई है, इसके जैसे मर्जी पराठे भर लें आप। तो यहाँ पे मेरे पराठे रेडी हो रहे हैं और हम लोग तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, कभी कभी जो बच्चे हैं यानी वो बाद में उठते हैं तो फिर उनके लिए साथ साथ में बनते हैं पराठे, क्योंकि पराठे गर्म ही गर्म अच्छे लगते हैं। और मूली के पराठे एकदम क्रिस्पी करारे एकदम फुल भर के बनाए थे मैंने, ये देखिए पराठे रेडी हैं। फिर तो यहाँ की दिनचर्या भी अभी एकदम अलग सी हो गई है और सभी लोग साथ में रहते हैं, तो
तो बहुत ही अच्छा भी लगता है। यहाँ पे साग रखा है, मेरी सिस्टर और मेरा बेटा खाना खा रहे हैं, और उसके बाद में मैंने भी शुरू कर दिया है। तो हाँ जी, खाना खाने के बाद में यानी कि नाश्ता करने के बाद हम दोनों लेके बैठ गए हैं साग को। साग साफ कर लेंगे, वहाँ बेटा काम में लग गया है और मेरा भांजा भी खा रहा था। तो साग कट करने के बाद तुरंत मैं चढ़ा देती हूँ, ताज़ा ताज़ा साग बना हुआ बहुत ही टेस्टी होता है। साथ साथ में काट रही हूँ, पानी गर्म करके और साथ साथ में डालती जा रही हूँ। कटिंग वगैरह सब कर ली थी मैंने, यहीं साथ साथ में की है मैंने। मैंने डाला है पालक, डाली है सरसों का साग, मूली के पत्ते, मेथी के पत्ते और धनिया डाला है। तो गर्म पानी में डालते ही साग सारा नीचे हो जाता है, और फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसमें कुछ अदरक, कुटा हुआ अदरक या काट के डालें जैसे भी आपका। ये है अदरक, धनिया, हरी मिर्च अभी डाल देती हूँ, लहसुन अभी नहीं है, छीलने के बाद डाल दूँगी। तो मेरी सिस्टर छील रही थी लहसुन, और लहसुन मैंने डाल दिया है अभी, और इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई, मैं ढक्कन लगा के ऐसे एक हाथ से दिखा रही थी और मेरा कुकर फट से बंद हो गया एक हाथ से। कभी कभी दो हाथ से भी नहीं कुकर बंद होता है। तो मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा, एक हाथ से कुकर को बंद किया, इतना जल्दी हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। यहाँ पर शाम का टाइम है, हम दोनों बहनें थोड़ा रेस्ट करने के बाद उठे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, और चाय बना ली है मैंने यहाँ पे। चाय के साथ आज कुछ भुजिया वगैरह खा रहे हैं। तो मॉर्निंग में खाए थे पराठे, इसलिए लंच तो कुछ हुआ नहीं। 10 बजे के करीब पराठे खाने से फिर भूख नहीं लगती है, और यहाँ पे बैठे चाय एंजॉय कर रहे हैं, दोनों बातें भी कर रहे हैं, पुरानी पुरानी बातें निकल के भी आ जाती हैं, और साथ में मोबाइल भी लगा रहता है। शाम हो चुकी है और साग अभी मैंने घोट के और पकने चढ़ाया हुआ है। चीटे बहुत इसके उड़ते हैं, एकदम बारीक हो गया है घोटने से, इधर तड़का चढ़ा हुआ है। और यहाँ है मक्की का आटा, प्याज इतने तीखे थे आंखों में आंसू आ गए, और ये मेरा साग चढ़ा हुआ है, तड़का लग रहा है। साग बहुत उछलता तड़का लग रहा है, अभी रोटी बन जाएगी। 7 बज चुके हैं, यहाँ भी वही टाइम है, ज़्यादा लेट नहीं खाते हैं। तो दोनों बेटे यहाँ पे बाहर सोते हैं, नीचे बेड पे नहीं सोते हैं, और ये दोनों डॉग देखो आके इनके बिस्तर के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। तो हाँ जी, ये था आज का मेरा ब्लॉग। आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं पंजाब के, लुधियाना के, मुझे ज़रूर लिखें। अभी कल से बिज़ी होने वाली हूँ, यानी कल है सैटरडे, सैटरडे को जो भी शूट होगा मैं डाल दूँगी। उसके बाद रामचरणम के ब्लॉग आएंगे, तो प्लीज़ ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सका मैं बनाऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।